नमस्कार, एस्ट्रो आचार्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर डॉक्टर जीतू सिंह। इस सप्ताह राशियां क्या कह रही हैं, यानी आपकी राशियों का कैसा हाल है, किन चीज़ों से बचना है, क्या चीज़ें करनी है, अगर आप पहले से ही अवेयर हो जाते हैं तो किसी भी बड़ी मुसीबत से बच जाते हैं। तो यही हमारे मकसद भी है कि आप अवेयर रहें और सुरक्षित रहें। राशियों की शुरुआत करते हैं। पहली राशि मेष राशि, अचानक धन आने का माध्यम बनेगा, यानी कुछ भी माध्यम बन सकता है लेकिन आप तक पैसा पहुंचेगा। इस सप्ताह आप तनाव मुक्त रहेंगे, यानी आपको कोई भी किसी भी तरह की टेंशन नहीं रहेगी। नए काम के अवसर मिलेंगे। अगर आप कोई नया काम सोच रहे हैं, कभी हुआ नहीं, हम प्लान करते जा रहे हैं, ये सप्ताह आपके लिए नया काम शुरू करने वाला सप्ताह साबित होगा। भाग्य रहेगा आपका 63% और रंग रहेगा आपके लिए गुलाबी। गुलाबी रंग का इस्तेमाल इस सप्ताह आप ज्यादा करें। वृष राशि वालों, समय पर ऑफिस जाएं, क्योंकि काम में अगर कोताही करेंगे तो नुकसान हो सकता है और रोज रोज लेट जाना कहीं ना कहीं आपकी नौकरी के ऊपर वार हो सकता है। पिताजी से दूरियां बढ़ सकती हैं, तो ऐसे में कोशिश करें कि आप थोड़ा सा शांत रहें और पिताजी को अपनी समस्या बताएं, अगर आप उनकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। यानी अगर आप कंसल्ट करते हैं तो डेफिनेटली दूरियां रिश्तों में नहीं बढ़ती हैं। धन की बढ़ोतरी के योग हैं, आपके धन तो बढ़ने ही वाला है इस बार। भाग्य रहेगा आपका 60%, रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर, यानी सिल्वर रंग का इस्तेमाल इस सप्ताह आप ज्यादा करें। मिथुन राशि वालों, ससुराल वालों से संबंध अच्छे बना करके रखें, क्योंकि अगर ससुराल वालों के साथ आपके संबंध बेटर रहते हैं तो यकीन मानिए आपका घर सबसे ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि वरना घर के अंदर तनाव हो सकता है। धन कमाने के नए साधन मिलेंगे आपको। अपना काम समय के ऊपर पूरा करने का प्रयास करें, वरना काम लटक सकता है और हो सकता है ये काम कंप्लीट भी ना हो। तो इस सप्ताह आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं, कोशिश करें कि उस काम को पूरा करें। भाग्य रहेगा आपका 60% और रंग रहेगा आपके लिए सिल्वर, यानी सिल्वर रंग का इस्तेमाल आप ज्यादा से ज्यादा करें। कर्क राशि वालों, छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर दें, इग्नोर करें, क्योंकि आप छोटी बातों को लेकर के बैठेंगे तो कहीं ना कहीं रिश्तों में तनाव तो होगा ही होगा, आप भी डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। इस सप्ताह आप घर का ही खाना खाने का प्रयास करें, इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपके परिवार के सभी सदस्य भी खुश रहेंगे। लंबी यात्रा के योग हैं, अगर आप बिजनेस की यात्रा करने चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ये समय बेहतर है आपके लिए। भाग्य रहेगा आपका 59%, रंग रहेगा आपके लिए ग्रे, यानी ग्रे रंग का इस्तेमाल अगर आप करते हैं इस सप्ताह तो बेटर रहेगा। सिंह राशि वालों, घर आए हुए मेहमानों का निरादर ना करें, यानी कई बार तो हम मुंह से कुछ कह देते हैं, कई बार हमारे एक्सप्रेशन इस तरीके के होते हैं कि सामने वाले को कुछ चीज़ें फील करने लगती हैं, लेकिन कोशिश करें कि मेहमानों के सामने ऐसे एक्सप्रेशन इस सप्ताह ना दें। भाई बहनों का हक ना मारें, अपना काम मन लगा करके करें। भाग्य रहेगा आपका 58%, रंग रहेगा आपके लिए नीला, यानी नीले रंग का इस्तेमाल इस सप्ताह आप ज्यादा करें। कन्या राशि वालों, नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। परिवार के साथ आपके रिश्ते, आपके संबंध सामान्य ही रहेंगे। मित्रों से यानी फ्रेंड्स से धोखा मिलने की संभावना है, यानी इस सप्ताह आप बहुत ही अटेंटिव रहें, अलर्ट रहें और कोशिश करें कि फ्रेंड्स से कम मिलना जुलना होगा तो शायद ये रिश्ता बहुत अच्छे से सेव हो सकता है, बच सकता है, वरना धोखा मिलने के बाद तो ये रिश्ता
टूट सकता है और बहुत लंबे समय तक पैचअप की गुंजाइश नहीं दिख रही। भाग्य रहेगा आपका 56%, रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन। गोल्डन रंग का इस्तेमाल इस सप्ताह आप ज्यादा करें। तुला राशि वालों, अचानक धन मिलने के योग है। लंबी यात्रा अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, यानी ये यात्रा आपकी सुखमय रहेगी। पुराने किए हुए काम से इस सप्ताह आपको फायदा मिल सकता है। भाग्य रहेगा आपका 61%, रंग रहेगा आपके लिए हरा, यानी हरे रंग का इस्तेमाल इस सप्ताह आप ज्यादा करें। वृश्चिक राशि वालों, अचानक नया काम आपको मिल सकता है, लेकिन वो काम पूरा भी होगा क्योंकि इसमें फायदा बड़ा है। तो ऐसे में इस काम को छोड़ने का प्रयास ना करें। जीवन साथी से ना झगड़ें, क्योंकि अगर आप झगड़ा करते हैं तो यकीन मानिए आप ही की हार होने वाली है और नुकसान भी सिर्फ आप ही का होने वाला है। तो बेटर है इस सप्ताह आप शांत रहें। विदेश से आपको शुभ समाचार यानी गुड न्यूज़ मिल सकती है। भाग्य रहेगा आपके लिए 59%, रंग रहेगा आपके लिए भूरा, यानी ब्राउन रंग का इस्तेमाल इस सप्ताह आप ज़्यादा करें। धनु राशि वालों, इस सप्ताह आप कर्ज बिल्कुल ना लें, यानी ये वीक जो है कर्ज लेने के लिए बेटर सिचुएशन नहीं बता रहा। तो ऐसे में कोशिश करें कि चाहे कितनी भी ज़रूरत क्यों ना हो, कर्ज की स्थिति पैदा ना होने दें। बच्चों के साथ अपने संबंध मधुर रखें। स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है, तो ऐसे में अगर आपको ज़रा सी भी कोई परेशानी होती है तो डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। भाग्य रहेगा आपका 56%, रंग रहेगा आपके लिए मैरून। मैरून रंग का इस्तेमाल इस सप्ताह आप ज़्यादा करें। मकर राशि वालों, इस सप्ताह धन किसी को भी उधार में ना दें। चाहे आपका कोई भी नियर एंड डियर आपसे पैसा मांगे तो कोशिश करें बात को बहुत ही मैनिपुलेट वे में टाल दें, क्योंकि दिया हुआ पैसा अगर आप इस सप्ताह धन देते हैं तो यकीन मानिए वापस लेने में बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। ज़्यादातर फैसले तो आपके हक में होंगे। अगर काम को लेकर के कोई फैसला ले रहे हैं तो बेटर है आप ले सकते हैं। परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है इस सप्ताह। भाग्य रहेगा आपका 59%, रंग रहेगा आपके लिए हल्का गुलाबी। हल्का गुलाबी रंग का इस्तेमाल आप ज्यादा कर सकते हैं इस सप्ताह। कुंभ राशि वालों, परिवार को सम्मान दें, परिवार को रिस्पेक्ट दें, क्योंकि परिवार अगर आपके साथ होता है तो किसी भी चीज़ को हासिल करना बहुत आसान हो जाता है। रुके हुए ज़रूरी काम आपके पूर्ण होंगे। गुप्त लेन देन है, यानी छुपा करके अगर आप कोई लेन देन करने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें। ये सप्ताह अच्छे इंडिकेशन नहीं दे रहा। भाग्य रहेगा आपका 57%, रंग रहेगा आपके लिए लाल, यानी लाल रंग का इस्तेमाल इस सप्ताह आप ज़्यादा करें। मीन राशि वालों, शुभ समाचार मिलने वाला है आपको। कहीं ना कहीं से कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि गुड न्यूज़ आप तक पहुंचेगी। यात्रा पर जा सकते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो यात्रा सुखमय रहेगी। बच्चों से बढ़ रही दूरियां अब समाप्त होंगी, यानी जो काफ़ी क्लेश हो रहा था कहीं ना कहीं बच्चों के करके आप परेशान थे, वो सिचुएशन अब नहीं रहेगी, यानी बच्चे आपका कहना मानेंगे। भाग्य रहेगा आपका 60%, रंग रहेगा आपके लिए नारंगी, यानी नारंगी रंग का, ऑरेंज कलर का अगर इस्तेमाल आप ज़्यादा करते हैं तो बेटर है। देखा आपने राशियों के हाल में आपके लिए क्या क्या जानकारी थी, यानी आपके बचाव की हर वो चीज़ थी जिससे आप अपने सप्ताह को बहुत ही बेटर बना सकते हैं। आप अपने सप्ताह को बनाएं बेटर अपनी पॉजिटिव सोच के साथ। मुझे दे इजाज़त। नमस्कार।